अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। ये है पार्ट टू ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997। और जैसे लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि एक तो फेडरल इनकम टैक्स है जो आपकी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम पे लगता है, सैलरी, बिजनेस वगैरह, और ये फिर प्रोविंशियल इनकम टैक्स है जो इस केस में पंजाब में लगता है जब आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है चूंकि पावर्स डिवाइड की हुई है टैक्स करने की। तो सवाले से हमसे डिफरेंट जो है ना सवाल पूछे गए हमसे डिफरेंट सवाल पूछे गए तो बेसिकली एक तो सवाल ये पूछा गया कि जी जो फेडरल इनकम टैक्स का कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें जो है ना एग्जेम्पशन कहाँ पे दी हुई है। तो बेसिकली अगर आप सेक्शन 41 पे आए, ये अब हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो मेन टैक्स का लॉ है जिसके हवाले से आप अपनी एनुअल टैक्स फाइलिंग वगैरह करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर इनकम के बारे में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन यानी इंडिविजुअल एओपी कंपनी, शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और यहाँ टैक्स से मुराद है इनकम टैक्स, ना के वो पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। तो जो इनकम टैक्स है जो ऑर्डिनेंस 2001 के तहत किया जाता है वो जो है एग्जेम्प्ट है। और यहाँ एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है, क्योंकि कल हम पार्ट वन में डेफिनेशंस देख रहे थे तो आज हम दोबारा डेफिनेशंस देखेंगे ताकि कंप्लीट कर लें। तो एग्रीकल्चर इनकम यहाँ जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ जैसे लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम से मुराद है कि कोई भी रेंट, यानी आपने ठेके पे दिया हो, या एक्चुअली आप जो है खुद वो काश्त करके वो क्रॉप्स बेचे हैं, रेवेन्यू डिराइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो जो दूसरा कानून है उसमें हम देखेंगे कि पंजाब का जिक्र होगा पाकिस्तान की बजाय, एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम तब इनकम, वो इनकम जो कोई भी रेंट या रेवेन्यू आप लैंड से डिराइव करें और उस लैंड को आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम बनती है, और वो जो लैंड हो वो पाकिस्तान में सिचुएटेड हो। या फिर इसके अलावा अगर ये सिनेरियो नहीं है तो फिर ये सिनेरियो है कि एनी इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन फ्रॉम लैंड सिचुएशन सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है उसको करने से जो भी उसको इनकम आए वो एग्रीकल्चर इनकम है। या फिर द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर, लगाने वाला, क्रॉप लगाने वाला, या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, यानी कि अगर आपको बार्टर सिस्टम के तहत आपको जो है कोई वो किसी और की क्रॉप के अगेंस्ट, आपको अपनी क्रॉप के अगेंस्ट किसी और का क्रॉप मिलती है, ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय सच पर्सन टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय द पर्सन फिट टू बी टेकन टू मार्केट। बेसिकली वो कह रहा है कि सिर्फ एक्चुअली कास्ट करना, कल्टीवेट करना नहीं, अगर उसके बाद उसकी सफाई वगैरह करके आप सप्लाई चेन में आगे यानी मार्केट के लिए उसको रेडी करते हैं तो वो प्रोसेस भी जो आप कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रोसेस है, एग्रीकल्चर पर्पस है, और चूंकि ये एग्रीकल्चर पर्पस है तो ये वाली जो इनकम आपको मिलेगी, जो आपको फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीट वगैरह उसको साफ किया और आगे लेके गए सप्लाई चेन में, तो भी एग्रीकल्चर इनकम है। अभी हम इनकम टैक्स के कानून में इंशाल्लाह वापस उस तरफ जाते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में आप पार्ट टू देख रहे हैं इसके। या द सेल बाय कल्टीवेटर और रिसीवर इन काइंड ऑफ प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम, यानी अगर वो सेल करता है मंडियों में, मार्केट्स में उसको, तो वो भी है। इसके अलावा ये सिनेरियो और ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा मिलती है उस डेफिनेशन से जो पंजाब एग्रीकल्चर के लॉ में है। इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू ऑफ एनी लैंड, वो जो बिल्डिंग है वो भी अगर किराए पे चढ़ी है और वो एग्रीकल्चर वो जरूरी है एग्रीकल्चर प्रोसेस का और उससे आपको रेंट वगैरह है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। वरना वैसे आप कोई भी बिल्डिंग वगैरह रेंट पे दें तो उससे जब आपको रेंट आता है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाता है, उसकी टैक्सेशन फर्क होती है, लेकिन ये एग्रीकल्चर पर। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिफरेंट जो इनकम सोर्सेज हैं उनमें से कुछ को एग्जेम्प्ट किया गया है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर है। और एक केस टैक्स मास्टर क्लास की वीडियो में आप देखेंगे आने वाले दिनों में, जहां पर एग्रीकल्चर इनकम में कुछ चीजें नहीं आती, बेशक वो एग्रीकल्चर रिलेटेड थी, तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। तो ये डेफिनेशन है जी,
और हम वापस चलते हैं अपने कानून पे कि जो एग्रीकल्चर इनकम है पंजाब के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ में उसको क्या जो है उन्होंने कहा है। तो हम बात कर रहे थे इस लॉ पर एग्रीकल्चर पे और आप पार्ट टू देख रहे हैं। इसमें डेफिनेशन में अगर आप एग्रीकल्चर इनकम देखें तो वही मींस एनी रेंट रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन पंजाब एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो इस सेम डेफिनेशन है, सिर्फ पंजाब का वर्ड डिफरेंट है और उसका फायदा भी है। जो इनकम इन फेडरल इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट हो गई है उसको प्रोविंशियल इनकम टैक्स में एज इट इज टैक्सेबल कर दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फेयर बात है कि वहां एग्जेम्पशन मिल गई है और यहाँ पे प्रोविंसेस ने अपने रेवेन्यू को रेस करने के लिए वो कर। और फिर इसी तरह एनी इनकम डिराइव उसी तरह एग्रीकल्चर, वही अगर किसी प्रोसेस से गुजारें या उसको सेल करें या फिर किसी इनकम डिराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग जो है ओन की है वगैरह वगैरह, और उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी। एसएससी हमने कल देखा था, एसएससी का मतलब है कि एक शख्स जिस पर टैक्स जो है ना असेस किया जाएगा, और ये वाला जो कानून है अनलाइक जो फेडरल इनकम टैक्स है इसके अंदर असेसमेंट होती है, असेस किया जाता है कि कितना आपसे टैक्स बना और उसकी दो तीन कंडीशंस बताई हैं। फिर हम आती हैं असेसमेंट और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब है मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई नेक्स्ट फॉलोइंग इनकम ईयर। तो जिस तरह इस वक्त हम है टैक्स ईयर 2020 में, तो इनकम ईयर जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर्पस के लिए ये जो इनकम ईयर है इसके बाद असेसमेंट ईयर शुरू होगा। तो टैक्स ईयर 2020 30 जून को खत्म होगा 2020 में, और 1 जुलाई से, जैसे यहाँ जिक्र है 1 जुलाई 2020 से इस टैक्स ईयर का असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा। और कलेक्टर यानी टैक्स किसने कलेक्ट करना है, कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो ये कानून भी रेलेवेंट है इस कानून के साथ मिला के, क्योंकि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो अगर यहाँ पे कोई वर्ड यूज हुआ है उसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं दी हुई तो वो उस एक्ट में दी हुई है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं जी, जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक तो एग्रीकल्चर इनकम की थी, ये ना हो कि कोई और इनकम आप एग्रीकल्चर में करें वो ऊपर डेफिनेशन कवर हो गई। कल्टिवेटेड लैंड जिसके बेस पर टैक्स कैलकुलेट होता है मींस एनी एरिया ऑफ लैंड विच वाज सोन एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। आपको पता है लैंड दो दफा भी होती है, इंक्लूडिंग लैंड अंडर मैच्योर्ड ऑर्चर्ड विच बोर फ्रूट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर बट एक्सक्लूडिंग लैंड प्लांटेड फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री नर्सरी। यानी वो जो पूरा साइकिल है, कुछ चीजें हैं जो आप उसी साल कल्टिवेट करते हैं और वो उग जाती हैं, कुछ साल ऑर्चर्ड के केस में टाइम लगता है। तो कल्टिवेटेड लैंड का मतलब है कि जो क्रॉप आपने लगाई वो आपका कल्टिवेटेड, अगर साल में एक दफा भी क्रॉप लगाई दो दफा नहीं भी लगाई तो वो कल्टिवेटेड लैंड कंसिडर होगा। उसकी टैक्सेशन कैसे होगी वो सेक्शन 3 में इंशाल्लाह पार्ट 3 में देखेंगे। और जो मैच्योर्ड ऑर्चर्ड है उसको उन्होंने भी इंक्लूड किया कि वो भी कल्टिवेटेड लैंड में है जहाँ जिस साल में बोर फ्रूट यानी कि फ्रूट जिस साल निकला है उस साल वो कल्टिवेटेड लैंड कंसिडर होगी उस टैक्स ईयर। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ऑर्चर्ड का वर्ड था और फिर मैच्योर का वर्ड उसके साथ लगाया गया बाद में, तो मीन्स ऑर्चर्ड ऑफ द एज ऑफ 7 ईयर्स और मोर, यानी किसी भी इन केस ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड यानी अगर आम का बागात है तो 7 साल 7वां साल और उसके बाद वाले में उसको मैच्योर ऑर्चर्ड कंसिडर करेंगे। और अगर उसको मैच्योर ऑर्चर्ड, ये दोनों डेफिनेशंस आपस में लिंक होती हैं, अगर आप उसको मैच्योर ऑर्चर्ड कंसिडर करेंगे तो वो फिर कल्टिवेटेड लैंड बन जाएगा, कल्टिवेटेड लैंड बन जाएगा तो सेक्शन 3 में फिर उसकी टैक्सेशन है जो अगले पार्ट में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से लॉ जो है डेफिनेशंस में, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में कहा था, फंडामेंटल स्टेप्स ले डाउन करता है और फिर उसको यूज करते हुए आप आगे चलते हैं। अच्छा जी, और अगर आप मैंगो ऑर्चर्ड नहीं है तो फिर वो कह रहा है 5 ईयर्स और मोर इन द केस ऑफ अदर ऑर्चर्ड्स, कोई किसी और चीज के बागात अगर हैं तो जो है क्या कहते हैं फिर आप वो कर सकते हैं 5 साल कंसिडर करेंगे कि 5वां साल और उससे आगे वो मैच्योर होगा। और मेरी चूंकि बॉटनी बहुत कमजोर है तो मैं यहाँ रिस्क नहीं लूंगा कि मैंगो के अलावा और किस चीज के बगात होते हैं, आप सोच सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। गवर्नमेंट से मुराद इस केस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है
और इनकम ईयर, जैसे मैं कह रहा था ना, जिस साल की इनकम है इन रिलेशन टू एनी असेसमेंट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट प्रिसीडिंग द सेक्स असेसमेंट ईयर, यानी कि अभी इस वक्त अगर ये इनकम ईयर भी है और ये असेसमेंट ईयर भी है, इस वक्त इनकम ईयर चल रही है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक चल रही है इनकम ईयर 2020 की, और इसी टाइम पर असेसमेंट ईयर चल रही है 2019 की। तो इस तरीके से ओनर पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ओनर और कोई शख्स जो ओनर नहीं है दोनों को इंक्लूड किया गया सेक्शन 3 में, वो जब हम वहां देखेंगे। लेकिन यहाँ ओनर से मुराद ये है कि जिस जमीन जिसकी हो, जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली भी आती है, और इसमें उन्होंने कहा है कि वेर द लैंड इज ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन, वेदर ऑफ यानी अगर एज एन इंडिविजुअल के बजाय एज ए फर्म, एज ए पार्टनरशिप फर्म भी है, तो तब भी वो ओनर कंसिडर होंगे, और वार्ड मतलब है जो सरबराह होता है किसी माइनर का, ठीक है जी। तो ये चीजें सारी, और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को भी बताया गया कि ये भी ओनर में शामिल है, क्योंकि नॉर्मली उसमें ओनर्स फर्क होते हैं। रिटर्न का मतलब है इस केस में भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, मींस द रिटर्न ऑफ टोटल एग्रीकल्चर इनकम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सेटिंग फॉर सच पर्टिकुलर, यानी कि जो इनकम है, जो रिटर्न है, आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की रिटर्न हर साल फाइल करनी है, उसका तरीकेकार है जो इसके रूल्स में दिया हुआ है, और वो आपने फाइल करनी है। टैक्स का मतलब है जो इस कानून के तहत टैक्स को वो करेंगे, और टैक्स ईयर का मतलब है एग्रीकल्चर ईयर एज डिफाइंड इन पंजाब लैंड रेवेन्यू, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, और टोटल एग्रीकल्चर इनकम जो है means the total amount of agriculture income computed in the manner laid down in this act, और वही वाली बात कि अगर इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है तो ये दूसरा कानून एक्टिव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया है कि ये जो कानून है इसमें, जैसे इनकम टैक्स के कानून में भी और यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर के कानून में भी जो डेफिनेशन है, उनका मकसद होता है कि आपको बताएं कि कौन लोग, कौन सी इनकम्स जो है वो इस कानून के अंडर आती हैं, और उन्होंने क्या क्या करना है, और उसमें गवर्नमेंट हो गया और प्राइवेट लोग हो गए, सारों को बताया गया कि कौन क्या है, ओनर कौन है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एसएससी कौन है, और फिर उस मुताबिक सेक्शन 3 से जो है ना हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि चार्ज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यानी कि जब इस डेफिनेशन के मुताबिक किसी की इनकम आ जाएगी, क्योंकि देखें अभी आपने देखा था कि एग्जेम्पशन मिल गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एग्रीकल्चर इनकम को, जिसकी डेफिनेशन यहाँ से बिल्कुल सेम थी, तो वो इनकम फिर कहाँ टैक्सेबल है? तो अगर ये कानून 1997 में आया तो इससे पहले वो टैक्सेबल नहीं थी, या इससे पहले शायद वो पंजाब का जो ये कानून है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, तो लेकिन खैर कानून है तो वो मैंने अभी देखा नहीं, तो उसके तहत शायद वो टैक्सेबल थी। याद रखें कि सारी वीडियोस जो हैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होती हैं, आपने एक्चुअली अपनी टैक्स कंप्यूट करना हो या रिटर्न फाइल करनी हो किसी भी टैक्स लॉ के तहत, तो प्रोफेशनल से प्राप्त आपको करना होगा। अच्छा जी, और ऐसे प्रोफेशनल से जो आपको कानून बताए और ये बताए कि जी टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, और अगर टैक्स बनता है तो टैक्स भी पे करें, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आए कि आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ये सारे जो डेफिनेशंस हैं इनका मकसद है कि आपको पता चल जाए कि ये लॉ किस पे अप्लाई होता है, और जो टैक्स बेस क्या है, इस केस में कल्टीवेटेड लैंड भी टैक्स बेस है और इनकम भी टैक्स बेस है, एग्रीकल्चर इनकम, वो दोनों कैसे कैलकुलेट होंगी वो देखेंगे, और ऑब्वियसली उसी से पता चलता है कि ये लॉ जो है किस किस इनकम पर अप्लाई होता है। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और ये लॉ आप इसलिए देख रहे हैं कि